होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी तक के मेरे जितने व्लॉग्स हो रहे थे दिल्ली में, आपके ज़्यादातर ट्रैवलिंग व्लॉग हो पा रहे थे, बट आज का जो व्लॉग है वो मेरे फोटोशूट से रिलेटेड है। तो आज जो है सोसाइटी पे ही एक छोटा सा बेबी है, तो उसका आज प्री बर्थडे फोटोशूट होने वाला है। तो आज जो है मैं उसका शूट करने वाली हूँ। तो देखते हैं आज का फोटोशूट कैसा रहता है, तो कैसी पिक्चर्स क्लिक होती हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और सीधे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और आपको मिलती हूँ मैं सीधे वहीं पे। सो इंडोर जो फोटोशूट होने वाला है वो हम यहीं पे करने वाले हैं, और ये हैं आज के बर्थडे बॉय कियान। तो बच्चों के साथ फ़ोटोशूट करना मतलब बहुत मुश्किल है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कियान की कुछ रैंडम्स क्लिक वगैरह हम कर पाएँ। It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all, 'cause when I'm with you, yeah, I know, everything will be alright. It don't matter if we fall down into the darkest place we know, 'cause when I'm with you, yeah, I know, everything will be in my mind, I can get them out no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? शूट कंप्लीट हो गया है, तो हम जाते हैं। बाय कियान। आज जो है दा का बर्थडे है, तो वो कुछ बच्चों को फ्रूट्स और कुछ फ्रूटीज बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो चलते हैं और सामान डालते हैं जल्दी से कार पे। We're
मस्त है। हम लोग को भी यहाँ पे रात हो गई है और अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबको बुलाया दिया है भैया ने भी। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अभी सीधे आ गए हैं मार्ट पे, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ फोटोशूट वगैरह। इस फूड वायरल करके आप इंस्टाग्राम पे भी पेज को फॉलो कर सकते हो। काउंटर यही संभालने वाली है। कैसे लगते हैं मोमोज आपको? ये लगता है इसलिए बार बार हम आते हैं। कोई आंटी और अंकल भी डेली आते हैं यहाँ पे मोमोज खाने। मैंने इनकी पहले एक दिन पहले भी वीडियोस बनाई थी। कैसे हैं? अच्छे कैसे हैं? आपको कैसे लग रहे मोमो? अच्छे। कुछ कुछ खाओ खाओ। तो ज्योति कैसा लगा आपको मोमो का टेस्ट? गाइस मैंने इतने दिन यहाँ शूट किया तो मैं डेली मोमोज खाती थी, तो मुझे मोमोज का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो इनकी बिरयानी जो है वाइट वाली बहुत अच्छी है। तो मतलब मुझे कि जब भी दिल्ली आऊँगी तो मैं हाँ नोएडा मोमोज खाने स्पेशली आऊँगी सूरज भैया के। तो गाइस आओ दिल्ली मोमोज खाते। तो गाइस आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, इनका पेज इट्स फूड वायरल करके हैं। इनका जो मोमोज हैं इतनी फेमस हैं यहाँ पे गौर सिटी मतलब नोएडा पे, तो काफ़ी भीड़ रहती है। मतलब मैं आपको अदर डेज की अगर वीडियोस दिखाऊं तो हमेशा यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। द मोमोज आर वेरी डिलीशियस मस्ट ट्राई मोमोज। बहुत अच्छे लगे मोमोज मैंने आज खाए। लो आ तो बहुत बहुत मोमोज। यहाँ पर भैया के कुछ फ्रेंड्स लोग केक लेके आए हैं, सो अभी यहाँ पर हम केक कट करते हैं। तो अभी हम भैया का बर्थडे है तो हम केक लेने के लिए जा रहे हैं, सो केक ले जाते हैं।
केक का जो टेस्ट है वो कसाटा पसंद है, तो हमने कसाटा लिया है अभी केक। हमने ले लिया है केक और फाइनली हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि कुछ तैयारी कर लेते हैं और शूट भी कर लिया है आज हमने थोड़ा बहुत। सो चलते हैं सीधे घर पे और दादा का बर्थडे का डेकोरेशन वगैरह करते हैं। तो डेकोरेशन तो क्या, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ पसंद है, तो जाते हैं और वेट करते हैं उनके घर पे। तो अभी हम नोएडा पे आए हैं, मॉल है, सब डिनर करने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ घूमेंगे। सो मैं और पूजा और हिमानी दीदी और बाकी लोग तो भैया। सो गाइस, मुझे यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं नॉर्मल फ़ोन से ब्लॉगिंग कर। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगा हमको कि हमारा कैमरा हमें अलाउ नहीं किया गया। क्रिएटिविटी देखो, टाइमर लगा के यहाँ पे फोटोशूट किया जा रहा है। मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था अभी बाहर आने का, क्योंकि मेरे को बहुत सारी एडिटिंग करनी थी और काफ़ी सारा शूट का पेंडिंग पड़ा था, मतलब एडिट वगैरह। तो बट फिर भी आ गए, बट सही लग रहा है करते हुए। Sevemem kimseyi sen gibi. Sevemem kimseyi.